दोस्तों आज मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A7 मॉडल है, 2017 मॉडल। और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रहा है कि देखिए जो फ़ोन चाहिए ऑन नहीं हो रहा है। और अगर हम चार्ज पे लगा रहे हैं फ़ोन को, ठीक है, तो चार्जिंग पे फ़ोन जो है ऑन भी हो रहा और सिर्फ रीस्टार्ट हो रहा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों चार्जिंग लोगो और चार्जिंग परसेंटेज इसका देखिए कितना है, 95% चार्ज है। और स्विच भी देखिए मेरा काम कर रहा है, देखिए स्विच भी काम कर रहा है। और सेट जो है देखिए, ये देखिए ऑन हो गया। बस इसी तरह से इसमें प्रॉब्लम है। और चार्जिंग से निकालने के बाद फ़ोन ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो ये फ़ोन पहले भी खुला हुआ है, तो दोस्तों इसकी बैटरी में मुझे लग रहा कुछ काम किया हुआ। फिर भी हम चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका जो है बैटरी ख़राब है। बैटरी का देखिए ये पत्ता जो है पूरा कटा हुआ है। इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तीनों पॉइंट को जम्पर कर दिया। और जम्पर करने के बाद अभी हम देखते हैं कि मेरा फ़ोन जो है ये चार्ज उठा रहा है कि नहीं उठा रहा, और चार्ज उठा रहा है तो चार्ज हो रहा है, ऑन हो रहा है कि नहीं प्रॉपर। चार्जिंग देखिए उठाने लगा है, ठीक है। ।46% दिखा रहा है और उस समय मेरा 95% दिखा रहा था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि फ़ोन मेरा ओके हो गया है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। डिस्प्ले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन ये पहले से ही प्रॉब्लम था, तो फ़ोन ये मेरा ओके हो गया।